सब कुछ होता है। तो आपके लिए अल्फाज खान साहब जरा गौर कीजिएगा। सच्चा दिल में अगर प्यार हो, कश्ती तूफानों से पार हो, मौजें आती रहें मौजें जाती रहें, हो के वो बेअसर चोट खाती रहें, इस तलातुम में हम दिल की कश्ती सनम आज उतारेंगे है कसम। तो जैसा भी तलातुम है, आप कश्ती उतार चुके हैं और ना, उतारिए। इमरान खान साहब की सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपके पहले हस्बैंड से अच्छी थी या बुरी थी? पहले की बेहतर थी। अच्छा पहले की बेहतर थी? इमरान खान नहीं थी। अच्छा एक्सेसिव वाली ठीक। खबरें मिल रही होंगी पिंकी पीनी के हवाले से कि इमरान खान और पिंकी पीनी के दरमियान तलाक हो चुकी है। इस खबर में वैसे मुझे भी सदाकत नहीं लगती थी, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आप भी इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि वाकई इमरान खान और पिंकी पीनी के दरमियान तलाक हो चुकी है, और इस तलाक से भी अगला स्टेप उस स्टेप की तरफ बढ़ चुके हैं जब इमरान खान की शादी। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आगे छोटे छोटे क्लिप देखे। यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जो तीसरी शादी हुई थी उसमें भी अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि उनकी तीसरी शादी भी टूट गई है और तलाक हो गया है बुशरा बीबी के साथ। वीडियो में आगे आपने काफ़ी क्लिप देखी, इंटरेस्टिंग क्लिप थी। वीडियो के लास्ट में करते हैं पूरे मतलब इस वीडियो के बारे में बात। पहले ये वीडियो देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक। हमने एक बहुत बड़ी खबर रखने वाला हूँ, उसमें भी सदाकत है। मेरे पास इस वक्त डॉक्यूमेंट्स हैं और वो डॉक्यूमेंट्स मैं आप सबको दिखाना भी चाहता हूँ कि असल में गेम क्या चल रही है और पिंकी पीनी ने गेम क्या चलाई है, और इस वक्त जो खबरें चल रही हैं वो इस वक्त खबरें क्या हैं। सोशल मीडिया पर आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा खबरें मिल रही होंगी पिंकी पीनी के हवाले से कि इमरान खान और पिंकी पीनी के दरमियान तलाक हो चुकी है। इस खबर में वैसे मुझे भी सदाकत नहीं लगती थी, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आप भी इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि वाकई इमरान खान और पिंकी पीनी के दरमियान तलाक हो चुकी है, और इस तलाक से भी अगला स्टेप उस स्टेप की तरफ बढ़ चुके हैं। जब इमरान खान की शादी हुई थी तो उस वक्त बुशरा बीबी के हवाले से एक बात काफ़ी शोहरत पा चुकी थी कि बुशरा बीबी ने इद्दत के दिन नहीं गुजारे, और इद्दत से पहले उन्होंने इमरान खान से निकाह कर लिया। अब जो मैं आपके सामने खबर रखने वाला हूँ, इसके बाद भी एक शक है कि इस बार भी बुशरा बीबी ने इमरान खान से तलाक लेने के बाद इद्दत पूरी नहीं की, या अगर उन्होंने इद्दत पूरी की है तो फिर उनकी तलाक आज से 2 महीने पहले हो चुकी है, क्योंकि ये खबर आपको बता देगी कि इस वक्त पिंकी पीनी कहाँ हैं और पिंकी पीनी ने क्या किया है और इस वक्त वो कहाँ रह रही हैं। तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आप ज़रा गौर से देखें। आप अगर इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये FBR में जो डॉक्यूमेंट्स बुशरा बीबी ने जमा कराए हैं ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपने जो तारीख है उस तारीख को आपने देखना है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इमरान खान की शादी होती है जनवरी 2018 में बुशरा बीबी के साथ। जनवरी 2018 में बुशरा बीबी के साथ इमरान खान की शादी होती है। FBR में जो बुशरा बीबी अपने कागजात जमा कराती हैं, आप उन कागजात पे डेट देखें, ज़रा गौर से डेट देखें, क्या लिखा हुआ है? 12 जुलाई 2021, यानी 2.5 साल बाद बुशरा बीबी ये डॉक्यूमेंट्स जमा करा रही हैं FBR में, और इसमें क्या लिखा है, डेट आपने देखना है, डेट आपने देखनी है 12 जुलाई 2021। और अगली बात को आपने ज़रा गौर से देखना है, ऊपर जहाँ पर नाम लिखा हुआ है बुशरा बीबी का, वो ज़रा आप नाम गौर से देखें कि बुशरा बीबी ने अपना नाम क्या लिखा है। बुशरा बीबी ने अपना नाम लिखा है बुशरा खावर फरीद मानिका, कर लें बात आप, बुशरा खावर फरीद मानिका, यानी अगर वो इमरान खान के निकाह में हैं तो फिर वो बुशरा खावर फरीद मानिका वो कैसे लिख सकती हैं जब वो इमरान खान के निकाह में हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ये कल्चर है, पाकिस्तान में जब भी कोई शादी होती है तो उसके बाद खातून अपना सरनेम चेंज करती है और खातून अपने शौहर का सरनेम लगाती है, यानी कि उसकी जो वाबस्तगी होती है वो शौहर के साथ होती है, तो उसके शौहर का नाम लिखा जाता है। और अगर कोई कास्ट भी लिखना चाहते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है मानिका, अब मानिका कहा जाता है कि मानिका एक ख़ानदान है, तो खावर फरीद मानिका इसके साबिक शौहर थे, उनका नाम लिखा हुआ है और अभी तक कोई नाम चेंज नहीं हुआ, खावर फरीद मानिका उनके नाम के साथ लिखा हुआ है, यानी कि वो 3 साल से इमरान खान की बेगम है और उन्होंने साबिक खावंद का नाम लिखा हुआ है। इस दौरान उनको शनाख्ती कार्ड चेंज करना चाहिए था, अपना नाम लिखना चाहिए था, लेकिन
उनका नाम चेंज नहीं हुआ। तो फिर इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर भी सामने आई है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो ये है कि बुशरा मानिका इमरान खान से तलाक ले चुकी हैं और वो दोबारा खावर फरीद मानिका से वो निकाह कर चुकी हैं। ये इस वक्त आप एक तस्वीर देख रहे हैं और बड़े गौर से तस्वीर देखें, इसमें एक जगह पर खावर मानिका बैठे हुए हैं, साथ में बुशरा बीबी बैठी हुई हैं और साथ में एक मौलवी साहब बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन मौलवी साहब ने यहाँ पर कोई निकाह पढ़ाया है। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये अभी जो बुशरा मानिका ने शादी की है, खावर फरीद मानिका से दोबारा शादी की है, उनके साथ दोबारा निकाह किया है, ये उस निकाह की तस्वीरें हैं। लेकिन मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये जो तस्वीर है ये आज की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एक पुरानी तस्वीर है। इमरान खान के साथ जब बुशरा बीबी ने निकाह किया था, ये उस निकाह से भी पहले की तस्वीर है जो मैं नतीजे तक पहुँचा हूँ। लेकिन इस पर लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये खावर फरीद मानिका ने दोबारा बुशरा बीबी के साथ निकाह किया है और बुशरा बीबी ने अपनी इद्दत पूरी की है। इमरान खान ने उनको जब तलाक दी और उसके बाद इद्दत पूरी की, जब ये खबरें सरगर्म थी कि बुशरा बीबी बनी गला छोड़कर जा चुकी हैं, तो उन खबरों में सदाकत थी, वो खबरें सच्ची थी। बुशरा बीबी उस वक्त बनी गला छोड़कर जा चुकी थी और उसके बाद उन्होंने अपनी इद्दत पूरी की और उन्होंने अपनी एक दोस्त के हाँ इद्दत पूरी की। ये दोस्त फरा नहीं है, जिनके बारे में आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं, ये फरा नहीं है। उन्होंने अपनी एक और दोस्त के यहाँ इद्दत पूरी की और उसके बाद खावर फरीद मानिका से उन्होंने निकाह किया है। इस वक्त जो इत्तलात है वो यही है कि उन्होंने खावर फरीद मानिका से उन्होंने दोबारा निकाह कर लिया है और इमरान खान से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान खान से अब उनकी शादी नहीं रही, वो इमरान खान की बेगम अब नहीं रहीं, वो बनी गाला में अब नहीं हैं, बल्कि वो अब वापस पाक पतन जा चुकी हैं और खावर फरीद मानिका की वो दोबारा से बेगम बन चुकी हैं। तो ये वो इत्तलात थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी कि इमरान खान अब बुशरा बीबी के खावंद नहीं रहे और बुशरा बीबी भी खातून अव्वल अब नहीं रही हैं और उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया है। उम्मीद तो दिल से ये बात बता देना, इमरान खान साहब की सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपके पहले हस्बैंड से अच्छी थी या बुरी थी? पहले की बेहतर थी इमरान खान नहीं थी। जो आपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस वाली बात बोली है ना कि आप पहले, और अपने पहले हस्बैंड की बेइज्जती की हुई है कि गालियां देता था, ये देता, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था, जल्दी फारिग भी हो जाता था, ये भी आपके अल्फाज है। अब आप कह रहे इमरान खान जो है, ये आपने लिखा, अच्छा आप शर्मा ऐसे रही जैसे मैंने अल्फाज क्रिएट किए हैं, ये खूबसूरत बात है। मुझे कह रही है अब जी हम बिस्तरी, बड़ा फर्क है। अब जो थ्रीसम और ये तमाम चीजें लिख देना और फिर जैसे अभी आप भी एम्बैरस हो रही थी, यार वकार तू सिर्फ सेक्स का पूछे जा रहे हो, बुक में मेरे दादा दादी के बारे में भी लिखा हुआ, मेरे दादा दादी की मोहब्बत भी लिखी हुई है, मेरे अब्बू को की मोहब्बत भी लिखी हुई है, मेरे दादा दादी की बड़ी क्यूट रोमांटिक स्टोरी। हाँ मैंने देखी, पढ़ी रही थी, मैंने बोल दिया लव स्टोरी दैट आई वुड वांट फॉर माय सेल्फ। हाँ तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि वो इतनी खूबसूरत लिखते लिखते एकदम लगता है बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ और एकदम। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा इस वीडियो में बात कर रहे थे पाकिस्तान के पत्रकार किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तीसरी वाइफ बुशरा बीबी अपने पहले पति के पास चली गई हैं, जो इससे पहले इमरान खान के पहले पति थे, और उनसे दोबारा शादी कर ली है। तो इमरान खान की कैसी किस्मत है या इमरान खान का किस तरीके का चरित्र है, इमरान खान की वैसे भी अगर आप पास्ट की लाइफ देखें तो काफ़ी रंगीन रही है और उस तरीके की लाइफ वाला बंदा पॉलिटिशियन मटेरियल नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियन मटेरियल वाले बंदे के अंदर त्याग होना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, आपकी अलग राय हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सेकेंड वाइफ रेहम खान का भी क्लिप डाला है, जिसमें वो खुल के बात कर रहे हैं और ऐसे खुल के बात करने वाली लेडीज शायद दुनिया में बहुत कम होती हैं। वो खुलेआम बता रही हैं कि मतलब, अब इंटरव्यू में उनसे ऐसा सवाल पूछा गया वकार ज़का के द्वारा, तो उन्होंने उसका आंसर दिया, इमरान खान के जो बेडरूम सीक्रेट थे, इमरान खान किस तरीके से समलैंगिक थे, इमरान खान किस तरीके के सेक्स करते थे, सारी चीज़ उन्होंने बताई। तो आप समझ सकते हो इमरान खान का कैरेक्टर किस तरीके का है, ये सब उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है। रेहम खान इमरान खान की दूसरी बीवी, जो पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टरशिप के इलेक्शन हो रहे थे, जो अभी मतलब 2018 की बात है, उसके पहले
इमरान खान और रहम खान की शादी हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर वो शादी टूट गई, फिर इमरान खान ने बुशरा बीबी से शादी की थी। तो आप समझ सकते हो बुशरा बीबी एक पीर, मतलब पीरनी भी बोला जाता है, वो जादू टोना ये सब करने में काफ़ी मशहूर थी। इस वजह से शायद इमरान खान ने उनसे शादी की थी, क्योंकि उन्होंने कुछ बोल दिया होगा कि मैं ऐसा करूँगी तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, ऐसा काफ़ी न्यूज़ में ट्रेंड किया था। तो आप दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिज़ा खान का जो मैंने क्लिप लगाया था वो 2018 के पहले का क्लिप है, जब प्राइम मिनिस्टर का मतलब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तब का वो क्लिप है। फिज़ा खान आप जानते हैं इमरान खान की काफ़ी बड़ी